नमस्कार दोस्तों, अपनी इज्जत बनाने के 10 गुप्त तरीके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर एक, अपनी इज्जत खुद करें। हर काम की शुरुआत करने से ही होती है, तो इसलिए अपनी इज्जत करना भी आप खुद पहले अपने से शुरू करें। यदि आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई और को भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। अपने आप को स्पेशल समझें अपनी नज़रों में, तभी आप लोगों में भी वो माइंड सेट डाल पाएंगे। हमेशा ये समझें कि भगवान ने आपको स्पेशल बनाया है और आप बहुत ही इंटेलिजेंट और समझदार हैं। अगर आप खुद ही अपने को बेवकूफ़ समझेंगे तो लोगों को क्या ज़रूरत है कि वो आपको समझदार समझें। नंबर दो, हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करें। देखिए, किसी भी बात को कहने के दो तरीके होते हैं। जैसे आप किसी को कहता है, आप क्या कह रहे हो, मैं बेवकूफ़ हूँ। इससे आप खुद अपने मुंह से एक बार कह रहे हैं कि आप बेवकूफ़ हैं। लेकिन अगर आप इस बात को ऐसे भी कहें कि आप क्या कह रहे हो, मैं बहुत समझदार व्यक्ति हूँ, आपने बात तो वही कही लेकिन देखो आपने अपने आप को समझदार कहा है। जब आप अपने मुंह से अपने आप को समझदार कहेंगे तो सामने वाले के मन में भी आपकी वैसी ही इमेज बनेगी। जैसे आपको सर दर्द हो रहा है, आपसे किसी ने पूछा कि अब दर्द में कितना आराम है, आपने आंसर दिया अब भी 50% दर्द है। इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अब 50% आराम है, आप दर्द क्यों बता रहे हैं, आप आराम को बताओ कितना है। ऐसे ही हर बात में पॉजिटिव तरीका अपनाएं। उसी बात को कहने का सही तरीका अपनाओ, ना कि गलत तरीका। नंबर तीन, बहुत ज़्यादा अवेलेबल ना रहें। संसार का नियम है कि जो भी चीज़ ज़्यादा आसानी से उपलब्ध होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं करता है। लेकिन अगर कोई चीज़ आसानी से उपलब्ध नहीं होती है तो लोग उसकी वैल्यू समझते हैं। देखो, ये दुनिया है ना, ये डिमांड एंड सप्लाई रूल पर चलती है। जब मार्केट में किसी भी चीज़ की सप्लाई कम हो तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और जो चीज़ मार्केट में कम मिलने लगती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे ही आप भी जब हर समय हर किसी कभी भी अवेलेबल रहते हैं, जब मर्जी आपको बुलावा आप आ गए तो सामने वाला आपको खाली समझने लगता है, वो आपकी कोई कदर नहीं करेगा। और अगर आप हर समय उपलब्ध नहीं हैं, मतलब आप कहते हैं कि मैं अभी बिजी हूँ, बताओ क्या काम है, या हम शाम को मिल सकते हैं, तो आप सामने वाला आपको इज्जत भरी निगाहों से देखेगा और वो आपकी वैल्यू समझेगा। इसका कारण है कि जो चीज़ ज़्यादा मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल होती है उसका दाम कम होता है, और जो चीज़ मार्केट में ज़रूरत से कम अवेलेबल है होती है तो उस चीज़ का दाम ज़्यादा होता है। यह नियम आप पर भी लागू होता है। हर समय अपने आप को खाली मत सो करें। नंबर चार, कम बोलें, नपा तुला बोलें। ज़्यादा बोलने वाले को लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, वो सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही हर समय बोलता रहता है।
अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बात की वैल्यू कोई नहीं करता होगा। आप चाहे जितना मर्जी काम की बात बताएं और सही बात बोलें, लेकिन अगर आप ज़्यादा बोलते हैं तो लोग आपको टेक इट जनरेटेड लेने लगेंगे, जनरेट लेने लगेंगे लग जाते हैं, मतलब अच्छी बात और ज्ञान को वो ऐसे ही सुनकर आपको इग्नोर करेंगे, तो आपकी बात और ज्ञान की वैल्यू कम होती जाती है। कई बार हमने देखा होगा कि कुछ लोग जो बहुत ही कम बोलते हैं, लोग उनकी हर एक बात को ध्यान से सुनते हैं। आप भी इस बात को समझें और अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कम बोलें, नपातुला बोलें और धीरे बोलें। आप जितना धीरे बोलेंगे, कम बोलेंगे, आपकी बात की उतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। नंबर 5, अपना समय बर्बाद ना करें। जिसने समय का मोल नहीं किया, उससे समय ने उसका मोल छीन लिया। जीवन आखिर है क्या? समय के एक एक पल से बना हुआ गनौदा ही तो, इसलिए समय की बर्बादी मतलब जीवन की बर्बादी। कुछ करने के बाद जब आपका दिल और दिमाग आपको इस बात का एहसास करवाए कि आप आज आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसको करने के संतुष्टि मिलती है, समझ लेना चाहिए कि जितना कोई भी आपको हल्के में नहीं ले सकता और आपको मूर्ख नहीं बना सकता। जीवन के हर क्षेत्र में आप चाहे नौकरी हो या व्यवसाय, ज्ञान को उन्नत करना आवश्यक है। शिक्षा एक धन है जिसे चोर चुरा नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता। युद्ध हो या आपात, कल हो या आप देश में हो या विदेश में हो, ये हमेशा आपके साथ। सरकार इस पर टैक्स नहीं लगा सकती। और विद्या एक ऐसी चीज है, ऐसी धन है जो दान करने से बढ़ता है। और आप हमेशा समाज में अपनी ज्ञान के बल पर इज्जत, मान सम्मान, पैसा, शोहरत सब कुछ कमा सकते हैं। चाहे आप बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, ज्ञान से तरक्की संभव है और ज्ञान से निरंतर वृद्धि करना जरूरी है। कोई भी कभी ये नहीं कह सकता है कि अब मैं सर्व गुण संपन्न हो गया हूँ, मुझे दुनिया के सब ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। ज्ञान की प्राप्ति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फ्रेंड्स, यह वीडियो मैंने सोचा था कि 10 टिप्स शेयर करूँगी, लेकिन यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाने के कारण मैं सिर्फ 5 टिप्स शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका पार्ट 2 में फिर से लेकर आऊँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।